हाँ वो कितनी क्या ज्यादा है ऐसी है पेज भीड़ भाड़ वाला। इट्स ऑन पेज 11 10 लाख का चेक है पेज 11 मिल गया मैम 7 फरवरी 8 फरवरी को इस पे रिटर्न हुआ किस लिए ये पैसा दिया था मैम उन्होंने ये फ्रेंडली लोन था जो क्यूज है वो मेरे काफी पुराने रिलेशन मतलब फ्रेंड लगते हैं तो उनको Hi everyone, this is Isha Kapoor and you're watching Vlogish. In this vlog today, I'll be taking you to the Delhi High Court. वहाँ पर हम बात करेंगे कुछ आर्टिकल 14 से रिलेटेड रिट मैटर्स की जिसमें मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को भी बहुत इंटरेस्ट होता है और क्योंकि ये जो आपको व्लॉग देखने के लिए मिलेगा ये उस दिन का होगा जब हाई कोर्ट में एक एक्चुअल रिट मैटर लिस्टेड था और काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर था वो हमारे लिए तो आप लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा लाइक दिस व्लॉग विल स्टार्ट विद द प्रिपरेशन फॉर दैट मैटर हाउ वी प्रिपेयर द जजमेंट डाइजेस्ट एंड हाउ यू गेट टू नो हाउ लॉयर्स एक्चुअली टॉक अबाउट देयर केसेस बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर वेरी क्यूरियस अबाउट दोज एस्पेक्ट्स आपको लगता है कि क्या वो एक मूट कोर्ट की तरह ही होता है जैसे हम वहाँ के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आगे वाली क्लिप्स में आपको वो सब बहुत देखने के लिए मिलेगा बट बिफोर दैट ये NIA एक्ट ना एक ऐसी चीज़ है क्योंकि मैं अभी एक मैटर कर रही थी इससे रिलेटेड तो बहुत सारे लोग होते हैं एडवोकेट्स होते हैं काउंसिल्स होते हैं हम NIA एक्ट के फर्स्ट डेट पे जा रहे हैं जब हमें सम्मन्स हो चुके हैं अक्यूज्ड के साथ हमें प्रेजेंट होना है तो हमें लगता है व्हाट विल हैपन नाउ डिजिटल कोर्ट है या नॉर्मल वाला फिजिकल कोर्ट है दोनों में ही तो ये एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पर नोटिस फ्रेम होगा जब नोटिस फ्रेम होगा ना तो आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है ये वाला स्टेज आपसे पूछते हैं ना डू यू प्लीड गिल्टी और डू यू क्लेम ट्रायल तो अगर आप ट्रायल लेना चाहते हो तो आपको बोलना होता है ना आई डोंट वॉन्ट टू प्लीड गिल्टी इस स्टेज पे ना आपसे आपका एक छोटा सा वर्जन ऑफ डिफेंस भी पूछा जाता है कि क्या आप अभी फर्स्ट इंस्टेंस पे अपना क्या वर्जन स्टेट करना चाहते हो जैसे बहुत सारे लोग ये वर्जन स्टेट करते हैं दैट दिस वाज द सिक्योरिटी चेक दैट वाज गिवन बाय मी और सम पीपल मे से दैट आई डू नॉट रिकॉग्नाइज दिस चेक एट ऑल आई डू नॉट रिकॉग्नाइज दीज सिग्नेचर्स आई नेवर साइन दिस चेक आई नेवर फिल्ड द पर्टिकुलर्स तो मेक श्योर कि जो आप अपना डिफेंस एक्चुअली देने वाले हो ना वो आप उस डेट पे एक बार रेडी करके जाओ बस इतनी सी एक बात थी जो मुझे आपको बतानी थी बाकी लेट्स मूव टू द दिल्ली हाई कोर्ट Like, is it right? Guaranteed under Article 14 Constitution, unless there is an interest. They have not explained the intelligible differentia between the two candidates. You saw that we were highlighting and preparing the judgment digest और अभी उसमें से कुछ judgments हम discuss भी करने वाले हैं right after 90 seconds of this information but ये जो judgment digest होता है ना ये दो लोगों के लिए बहुत important होता है आपके अलावा वो दो लोग जो एक तो जो prosecution version है और दूसरा जो आपके सामने judges बैठे हैं तो दोनों के ही आपको mind को समझना उनके intellect को समझना और उनकी approach को समझना is very very important as soon as I hear these words judiciary exam or for the ADP एग्जाम आई गेट रिमाइंडेड ऑफ द फैक्ट कि अनअकैडमी ने अपने दो नए क्रैश कोर्सेज के लिए बैचेस लॉन्च किए हुए हैं क्योंकि ये जो MP का ADPO एग्जाम है ये भी बहुत नियर है और जो छत्तीसगढ़ और UP का PCS जो एग्जाम है प्रीलिम्स है वो भी बहुत पास में है कुछ ही मंथ्स में दोनों एग्जाम्स आने वाले हैं तो जो लोग PCS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं UP छत्तीसगढ़ दोनों में और जो लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर जैसे एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो या कर रहे हो आप साइमल्टेनियसली तो आप इस एग्जाम के लिए ज़रूर अप्लाई करो MP ADPO दोनों के लिए क्रैश कोर्स बैचेस हैं ये जो छत्तीसगढ़ और UP वाला बैच है ये मेरे इन्फॉर्मेशन है मेरे पास कि ये सितंबर 8 से स्टार्टेड है दैट मीन्स आज से स्टार्ट हो चुका है थ्री मंथ्स में आप पूरी प्रिपरेशन कर पाओगे विद नोट्स विद लेक्चर्स विद एवरीथिंग दैट यू विल एवर नीड एंड दिस बैच फॉर द MP ADPO एग्जाम दिस इज ऑल्सो अ रैपिड रिविजन काइंड ऑफ अ बैच यू विल गेट 3 months टू प्रिपेयर एवरीथिंग आपको ये जो एजुकेटर्स हैं ये अच्छे से विद नोट्स विद एवरीथिंग अगेन सब कुछ प्रिपेयर करवा देंगे एंड इफ़ यू थिंक दैट इट्स रिलायबल और नॉट देन आई मस्ट लेट यू नो कि अभी जो राजस्थान का रिजल्ट आया आप सबको पता होगा अगर PCSJ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे रैंक्स के बच्चे वो थे जो अनअकैडमी के ट्रेंड एजुकेटर्स से पढ़े हैं इसमें से मुझे ही दिख रही है इतने सारे रैंक्स तो रैंक 3 रैंक 4 रैंक 6 रैंक 17 एंड अप टिल रैंक 119 दैट मीन्स टॉप रैंक्स में आपको अनअकैडमी के बहुत सारे लर्नर्स दिख रहे हैं अभी बाकी इट्स अप टू यू इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज द प्लस सब्सक्रिप्शन और द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन
पहले सबसे बड़ी बात ये है कि अभी अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शन पे 20% ऑफ चल रहा है और ये बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। जनरली अगर आप कोड यूज़ करते हो वी लॉगिश तो आपको 10% ऑफ मिल जाता है डायरेक्टली, बट अभी थोड़े टाइम के लिए आपको ये ऑफ बढ़कर हो गया 20%। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि आपको अपने MP ADPO एग्ज़ाम या फिर PCSJ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है। दिस इज़ द राइट टाइम एंड यू शुड परचेज दी सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी। गो टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यूज़ द कोड वी लॉगिश एंड यू विल instantly get 20% off on any subscription that you'll buy. Anwar Ali Sarkar bol dena ye ek cheez dikhao ki kya karna chahiye. Wo yahan likha hai state must act validly for a discernible reason, not whimsically for any ulterior purpose. Meaning and the true import and concept of arbitrariness is more easily visualized than precisely defined. इसलिए सबको करे जा रहे थे और इसको इंटरव्यू के लिए नहीं बुला रहे थे। हर बार जब भी होता था ना प्रोसेस तो ये इंटरव्यू के लिए अप्लाई करता था, सब करता था, बट इसे कोई बुलाता ही नहीं था इंटरव्यू के लिए। ये प्रॉब्लम थी। ये कह रहे हैं ऊपर इसको मौके ज़्यादा दिए किसी को। हाँ वो कह रहे कि जैसे जिनके पास इनफैक्ट तो वो भी नहीं था ना कंप्यूटर कोर्स, हाँ जिनकी क्वालिफिकेशन भी नहीं थी, उनको इन्होंने मौके दिए कि चलो आप कोर्स कंप्लीट कर लेना, अभी तो अपॉइंट हो जाओ, आपको अपॉइंट कर रहे हैं ऑन दिस कंडीशन। लेकिन ये जो कि वो थी जिसने अपनी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट की थी, पढ़ाई कंप्लीट की थी काम के साथ साथ, उसको उन्होंने वो नहीं दिया टाइम पे प्रमोशन। कि उसको प्रमोशन तो दोगे अब विद इफेक्ट फ्रॉम 2002 दोगे रेट्रोस्पेक्टिव। यू कैन क्लियरली सी दैट आई वॉज ट्राइंग टू से समथिंग हियर बट कुडंट फाइंड द राइट वर्ड्स। तो हाँ ऐसा एडवोकेट्स के साथ भी होता है कि हमें शब्द नहीं मिलते हैं कहने के लिए। आई वॉज आर्ग्यूइंग एन आर्टिकल 14 पिटिशन टुडे एंड यू नो वट आई एम स्पीकिंग दिस वेरी स्लोली इन शायद आप सबको सुनाई दे ही रहा होगा, बट माई हार्ट गोज आउट टू ऑल ऑफ यू पीपल हु हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन एनी पार्ट ऑफ देयर लाइफ योर लाइफ। I witnessed such a scenario today and I witnessed how those people who discriminate deserving people, deserving candidates, stand in front of the court, how they declare their version, how cunningly they try to convince everybody that they haven't done any wrong, and how authoritatively they say that they were entitled to discriminate. So yeah, if you're a lawyer, you have to give your all, your heart, your soul, your mind to your client's problem, and sometimes it just stays in your head. It is very difficult to take it out. But then work-life balance, we do try. We try our best at all times. You may feel like you don't know what I'm blabbering. बट और ये थोड़ा सा हैप्पी जार्ट फील लग रहा होगा इधर उधर की स्टेटमेंट, बट एनी वे दोज हु अंडरस्टैंड विल अंडरस्टैंड। सी इफ ऑन एनी डे यू डिसाइड टू बिकम अ जज, बहुत सारे लोग होंगे जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स होंगे, प्लीज 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 स्टे ग्राउंडेड। आई वुडन्ट से एनीथिंग एल्स। रुक गई। मैं भी बारिश आ गई थी तो आई वॉज ट्राइंग टू कैप्चर रेन, बट ना यार जैसे ही मैंने फ़ोन निकाला ना, जैसे ही मैंने कैप्चर करने के लिए निकाला, रुक गई, आ गई, फिर से आ गई बारिश। तो ग्रेटफुल, सो दैट मीन्स मैंने बोला और बारिश आ गई, मैंने बोला और बारिश रुक गई। गॉड लेट मी शो यू, अलग तरह की बारिश है, दिख नहीं रही है, सुनाई दे रही है। तो हमेशा हर जो चीज़ होती है वो दिखती भी नहीं है ना। बाय द वे मुझे आपसे ऐसी बात करनी थी, मैं बोल रही थी ना कि जज बनो, जो बनना है बनो, लॉयर बनो, जज बनो, पर प्लीज़ ग्राउंडेड रहना। अगर ग्राउंडेड नहीं रहते ना तो जो इंसान आपसे डील कर रहा है ना उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और दैट्स नॉट क्रिएशन ऑफ गुड वाइब्स फॉर योर ओन सेल्फ एज वेल।
बिकॉज आई प्रिफर नॉट ईटिंग आउटसाइड, देयर फोर यू सी मी ईटिंग दिस अमेजिंग फूड. बारिश हो रही थी बाहर एंड आई वॉज ईटिंग इट सिटिंग पीसफुली कामली. देखते रहना. अभी ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो मुझे आपको दिखानी है. आई वॉज हेयर नियर द दिल्ली यूनिवर्सिटी. देखो प्लीज़ ध्यान से देखो, इसमें मैं आगे बताती हूँ कि ये है क्या चीज़. मुझे किसी रीज़न से दिल्ली यूनिवर्सिटी आना था. यहाँ पर ना मेरे को वो दिखे बहुत सारे प्रमोशन वाले नियर द लॉ फैकल्टी. प्रमोशन के बोर्ड लगे हुए हैं यार, पैकेजेस लगे हुए हैं कि अगर आपके यूट्यूब पे अपने 4000 आवर्स कंप्लीट करवाने हैं, मोनेटाइज कराना है चैनल को, तो उसके लिए गारंटीड इन 2 वीक्स. बड़े आगे निकल रहे हो आप सब. मुझे लगता है सारे कॉलेज स्टूडेंट्स ही हैं ये जो पेड प्रमोशन करा रहे हैं अपने चैनल्स के थ्रू, पेड प्रमोशन करा करा के, एंड देल हेल्प यू रीच आउट टू द ऑडियंस. तो मैंने इस व्लॉग में ना अभी इस क्लिप से पहले मैंने वो देवी दिया ऐप कौन का लिंक, ज़रूरत हो तो जाओ करवाओ. वैसे मुझे लगता नहीं किसी को इतनी ज़रूरत पड़ेगी, हमें तो बिल्कुल नहीं. फिनिशिंग दिस डे विद सम पेंडिंग वर्क स्टार्टेड विद रिसर्च. आई होप यू लाइक्ड एवरीथिंग दैट आई टॉक्ड अबाउट आर्टिकल 14 टुडे. आई होप it gave you some information in some way. Anyway, I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now.